हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप, लेकर आया हूं आपके लिए क्रोसम कूल वेटर फैंस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि एक हमारे पास इमरजेंसी लाइट आई है रिपेयर करने के लिए, यानी कि वो इमरजेंसी लाइट है भर बहुत अच्छी। और सबसे अच्छी बात मुझे उसमें लगी, एक तो वो सोलर प्लेट उसमें लगी हुई है, दूसरी उसमें बैटरी भी उसमें असेंबल है। ये साथ ही हम उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये देख सकते हैं, उसे हम पावर बैंक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसमें एक USB पोर्ट दिया हुआ है जिससे हम अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। तो उस लाइट को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए कैसी है वो लाइट। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी इमरजेंसी लाइट जो कि हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है। और इसमें सबसे अच्छी बात लगी मुझे ये कि इसमें सोलर प्लेट दिया हुआ है और इसमें USB पोर्ट दिया हुआ है, चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, तो यानी कि हम इससे कई काम एक साथ कर सकते हैं। और इसे लाइट में जब लाइट चली जाती है तो हम इसे इमरजेंसी के रूप में भी यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये चल भी नहीं रही है। अगर मेरे पास ऐसी लाइट पहले होती तो मैं इसकी वीडियो पहले भी बना के डाल चुका होता, तो अभी ये मेरे पास आई है तो ये मेरे लिए एक अलग बात है और मुझे भी टॉपिक मिल जाता है इसमें, और मैंने फिर वीडियो भी बना दी। और इसमें जो दिक्कत है वो दिक्कत भी मैं आपको बता देता हूँ, पर वो मैं भी नहीं बताऊँगा, लेकिन आगे चल के आप देखिए कितनी खतरनाक दिक्कत जो आई है। और ये मुझे आगे जाके ही पता चला कि इसमें ये दिक्कत है। तो अब देखिए, अब इसे हम इसमें जो पेज लगे हुए हैं उनको ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसे खोल लेते हैं। और ये यहाँ पर मैं पेचकस का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक सिलाई की ये बनाई हुई है, आप इसे भी घर में ही बना सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं रहता, बस आगे से घिसना होता है और मोड़ना होता है। और फिर हम इसे खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। तो सिंपल से इसके जो पॉइंट हैं उन्हें, यानी कि इसके जो पेज हैं चारों के चारों, उन्हें खोल लेना है बहुत आराम से। तो ये देखिए दोस्तों, चारों के चारों पॉइंट जो हैं इसके हमने ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे सीधे से हम इसे ओपन कर लेते हैं, यानी कि इसे खोल लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यार से और बहुत ही आराम से इसे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ज़्यादा खास कुछ तो नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, सिंपल सा बस इसे लेंगे और आराम से इसे ओपन कर लेंगे। और इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो काफ़ी अच्छी बैटरी है, और मेरे ख्याल से इसमें जो बैटरी का बैकअप है वो काफ़ी ज़्यादा रहा होगा और रहेगा ही, कम से कम 5 घंटे से ज़्यादा का तो मेरे को लगता है ये देता ही होगा बैकअप। और साथ में अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि ये सोलर प्लेट से चार्ज होने वाली चीज़ है। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या है, ये है पानी, यानी कि जो इसमें जो बैटरी का जो पानी है वो निकल चुका है। तो हमें ये देखना है कि बैटरी का पानी निकला कहाँ से, इसके ऊपर जहाँ से हम पानी इसमें डालते हैं वहाँ से निकला है, या ये बैटरी कटी फटी या कुछ हुआ है वहाँ से निकला है। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जो इसके जो पॉइंट लगे हुए हैं उन्हें हम इसको हटा देते हैं। और मैं इसे कपड़े से पहले पानी को भी पोंछ रहा हूँ, तो आपको ये भी पोंछ के एकदम क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें जहाँ जहाँ पर पानी लगा हो, जहाँ जहाँ पर पानी फैल चुका हो, उन सब चीज़ों को उन्हें पोंछ लेना। उसके बाद इसके जो पॉइंट लगे हुए हैं सभी पॉइंटों को एकदम से आपको आराम आराम से उन्हें अलग कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से इसे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो हमारे बैटरी के पॉइंट हैं उनको खोल लेंगे। और देखिए यहाँ पर अगर ये चालू होता तो ये जलता, यानी कि हमारी बैटरी चार्ज होती तो ये जो हमारी LED है वो वर्क करती इसकी। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा है कि ये देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम बैटरी को रिमूव करने वाले हैं पूरी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जो सोलर पैनल इसमें लगा हुआ है उसके तारों को कनेक्ट जो है हटाएंगे, येलो वाला प्लस का है, वाइट वाला माइनस का है, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम जो LED इसमें लगी हुई है उस LED प्लेट को निकालेंगे, क्योंकि अगर हम इसे रिमूव नहीं करने वाले तो हम पूरी तरह से इसको तो फ्री नहीं कर पाएंगे, और तार इधर उधर से हो सकता है प्लेट में से भी टूट जाएँ, तो फिर बहुत दिक्कत होगी हमें लगाने के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सोलर प्लेट है सोलर प्लेट में से इसके पॉइंटों को आराम से आयरन की मदद से उन्हें छुटा देंगे। छुड़ाने के बाद जो है फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इसको साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद जो हमारा मेन काम रहता है कि हमें ये देखना है चार्जर लगा के कि हमारी प्लेट ठीक है कि नहीं, क्या पता हमारी प्लेट में कोई दिक्कत हो, तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। और बैटरी को हमें पहले देखना पड़ेगा कि कम्युनिटी टेस्टर से, लेकिन अभी मैंने बैटरी को चेक नहीं किया है, यहाँ पर मैं जो है प्लेट को देखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये श्योर करना है कि हमारी प्लेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी में तो बात की जो भी चीज़ है वो ठीक हो जाएंगे बैटरी, लेकिन प्लेट में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है उसके लिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर हमने चार्जर लिया, चार्जर को लगाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारी जो LED है वो चल रही है या नहीं चल रही, यानी कि ये देखिए यहाँ पर हमारी LED चालू हो चुकी है, हर चीज़ यहाँ पर काम कर चुका है, यानी कि अब हमारे को कोई दिक्कत देने वाली चीज़ नहीं है, यानी कि हमारी जो प्लेट है वो ओके है। अब जो दिक्कत हो सकती है वो बैटरी में हो सकती है, तो हमें बैटरी भैया चेक करनी पड़ेगी। तो उसे कैसे चेक करना ये भी देख लेते हैं।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बैटरी को ले लिया। बैटरी को लेने से पहले हम यहाँ पर इसके पॉइंटों को देखेंगे खोल के, जो इसमें से पानी वगैरह जो डालते हैं ना वहाँ पर से, कि ये देखना है हमें कि इसमें से जो पानी डालते हैं पानी जो है इसमें से निकला तो नहीं है, या कोई भी कैप हटा तो नहीं है, या कुछ भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है। और ये देखेंगे इसमें पानी है भी या नहीं भी है, तो इसमें पानी नहीं है, यानी कि इसका जो पानी है वो पूरा पहले ही निकल चुका है और सूख चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसे जो है हमें ओपन कर, मतलब इससे पहले चेक करना है कम्युनिटी टेस्टर से, हम थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये जो बैटरी है वो हमारी मतलब चार्ज वार्ज है थोड़ी सी कि नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसे बैटरी को चेक करते जा रहे हैं। वैसे इसे ज़रूरत नहीं थी इस तरीके से हमें कम्युनिटी टेस्टर से चेक करने की, पर हम फिर भी अपनी जो जो भी हमारा कन्फ्यूज़न है, हमारा जो भी डाउट है, हम उसको पूरी तरीके से क्लियर करते हुए जा रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की इसमें LED नहीं जल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम इसे बैटरी में पानी डालने की कोशिश करते हैं। तो हम इसमें पानी कैसे डालेंगे वो आपको देखना, डिजिटल वाटर जो है सुई से डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, इसके कैप्स को हटा देते हैं और इसमें डिजिटल वाटर जो है उसे डाल देते हैं और फिर देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। हमारा जो डाउट है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा डाउट सिर्फ बैटरी तक ही नहीं रह जाता है, हमें ये भी देखना है कि जो बैटरी के जो पॉइंट है उनमें पूरी तरह से पावर आ रही है या नहीं आ रही है, और कितने वोल्ट तक का उसमें आ रहा है, ये चीज़ें हमें भी देखनी पड़ती हैं। तो हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारी जो कम्युनिटी टेस्टर ने बता दिया है जो कि हमारा जो पॉइंट है वो पूरी तरीके से ठीक है, यानी कि इसमें जो पावर आ रही है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। अब यहाँ पर हमें मल्टी टेस्टर से चेक करना है कि इसमें वोल्ट कितना आ रहा है। तो मेरे दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर मल्टीमीटर ले लिया है, अब हम यहाँ पर वोल्ट चेक कर रहे हैं तो कितना आ रहा है वोल्ट हम ये भी देख लेते हैं। यानी कि इसमें 5.5 के आसपास वोल्ट आ रहा है, यानी कि ये इसमें जो बैटरी है जो 5 वोल्ट पर वर्क यानी कि चार्ज होती है। तो हमें यहाँ पर पता पड़ गया, हमारे को ये भी पता पड़ गया कि हम पूरी तरह से श्योर हो गए कि हमारे जो बैटरी का पॉइंट है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम हमारी जो बैटरी है उसे देख लेते हैं, उसमें किस तरीके की दिक्कत हो सकती है, उसमें पानी कैसे डालेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने डिजिटल वाटर ले लिया है। अब डिजिटल वाटर को यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो बैटरी है उसमें डालने की कोशिश करेंगे। कैसे डालेंगे ये आप देखते जाइए, सिरेंज ले लेना है। सिरेंज लेने के बाद आपको इसमें जो इसकी सुई होती है उसे भी लगा लेना है, लेकिन इसे ध्यान से रखना होगा ये किसी बच्चे के हाथ में ना लग जाए। और आप भी जब इसे काम करें तो बहुत सावधानी से और अच्छे तरीके से करें। और मैं यहाँ पर करने की कोशिश ये चाह रहा था कि इसमें जो पानी डाला गया है उसको एक बार इसमें जो मैंने LED का जो ढक्कन बल्ब का वो ले लिया है ऑप्शंस, उसमें इसको निकाल दूँ एक बार पानी को, इस वो बॉटल यानी कि जो बैटरी है उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, जैसे हम कोई बोतल धोते हैं उस तरीके से टैप। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमने अभी नहीं किया है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखने वाली यहाँ हो जाती है कि जैसे ही मैं इस बैटरी में पानी डालता हूँ तो ये पानी जो है इसका ओवरलोड हो जाएगा। और ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये जो है पानी इसमें हमारी बैटरी में से जो हमारा पट्टा है, ये देखिए नीचे बहुत सारा पानी आ गया है। इसका मतलब ये है हमारी जो बैटरी है वो फट चुकी है, यानी कि ख़राब हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैंने इसमें डालने की कोशिश की, मैंने सोचा कि शायद हो सकता है ये ऊपर से निकला हो, साइड से निकल गया हो, बट ऐसा नहीं था इसमें। तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि हमारी जो बैटरी है वो ख़राब हो चुकी है, यानी कि देख पा रहे हैं हम यहाँ पर ये फूटी है, यानी कि यहाँ से क्रैक हो गई है। वो तो अच्छा ये क्रैक हो गई, नहीं तो क्या होता पता नहीं क्या होता, फट बढ़ जाती तो ज़्यादा मैटर हो जाता। लेकिन अच्छा हुआ कि ये सारी चीज़ें नहीं हुई और हमारी जो बैटरी थोड़ी सी क्रैक हो गई और हमारी को जो है प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करने की ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ पर हम इसकी जगह पर क्या करें भाई, अब तो हमारी तो बैटरी ख़राब हो गई। तो इसके लिए एक सीधा सिंपल सा मेरे पास एक जुगाड़ है, वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास पावर बैंक के सेल होंगे या लैपटॉप में जो बैटरी लगती है उसमें वो वाली बैटरी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो 4 वोल्ट 5 वोल्ट के आसपास ही आउट करती है और इनपुट भी इतने पे ही चार्ज हो जाती है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और यही हमने यहाँ पर 3 सेल ले लिया है और हम इस बैटरी की जगह पर उसको लगाएंगे और फिर देखेंगे जो रोशनी है वो कितनी होगी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये मेरे पास बची हुई थी बैटरी, यानी कि आप समझ सकते हैं लॉकडाउन होने की वजह से हम मार्केट नहीं जा सकते, तो मैंने जो मेरे पास बची है उसी में से ही इस बैटरी को लगा दिया और हमने अभी जो इमरजेंसी लाइट है उसे भी ठीक कर लिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो हमारी जो इमरजेंसी लाइट की जो प्रॉब्लम है वो तो अब शॉर्ट आउट हो गई, हमें पता पड़ गया बैटरी ख़राब, हमने बैटरी भी चेंज कर ली। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे अच्छे तरीके से इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे,
हमें जो है यहाँ पर फिर बैटरी को असेंबल करना है। बैटरी के जो पॉइंट है उनको बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से उसे लगा देना है। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर हमारी जो बैटरी है उसे ले लेना है, रेड वायर को रेड पे लगा देना है जो कि प्लस का है, ब्लैक वाले पे हमें वाइट वाला पॉइंट लगा देना है उसे, और उसके बाद जो हमारी जो बैटरी है वो पूरी तरीके से फिक्स हो जाती है। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा आयरन लगा देना है, उसे आयरन को फिर अच्छे से लगा देना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी दिखाता हूँ, और इसे पेस्ट वगैरह लगा के अच्छे से इसे फिर एकदम शोल्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने शोल्डर कर लिया है, और आपको भी शोल्डर कर लेना है बहुत ही आराम से इजीली, या ज़्यादा खास इसमें कुछ करने की टेंशन नहीं पड़ती बैटरी को उसमें चेंज करने में। लेकिन मैंने आपको प्रॉपर एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की जिससे कि आपको और मुझे कभी भी कोई दिक्कत ना हो इस ऐसे कामों को करने में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको टेप भी लगा देना है जिससे हमारी सेफ्टी बनी रहती है। तो फिलहाल मेरे पास बिजली वाला टेप नहीं है तो मैंने सेलो टेप से काम चला लिया, और चलाना पड़ेगा लॉकडाउन होने की वजह से। अब हम इसे पैक कर देते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं पैक कैसे करना। और नहीं, पैक करने से पहले रुको रुको रुको, एक चीज़ और करनी है। क्या करना है, सोलर प्लेट के कनेक्शन भी करने हैं। तो हमने क्या बताया था शुरुआत में, पीला वाला जो पॉइंट है वो वाला प्लस का है, और वाइट वाला जो पॉइंट है वो वाला माइनस का। तो ये वाली ध्यान रखने वाली चीज़ थी जो कि हमें रखनी पड़ती है। आपने ध्यान रखा था कि नहीं, मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। तो प्लस वाला पॉइंट देखिए जो येलो है, हम उसे येलो कर दे रहे हैं प्लस को, ठीक है। मैं चिंता मत कीजिए, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको मतलब चेक करके दिखाऊंगा लाइट को धूप में ले जा करके इसे चार्ज हो रहा है या नहीं होने वाला है, यानी कि मैं आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो टोटली इस वीडियो में जो है बिल्कुल दूर करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से बिल्कुल श्योर रहने वाला है हर चीज़। अब देखिए यहाँ पर हमने पूरी तरीके से सोलर प्लेट के कनेक्शन कर दिए, अब मैं यहाँ पर इसको पैक कर दे रहा हूँ जिससे हमारी जो है सोलर प्लेट ये पूरी इमरजेंसी लाइट पैक हो जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ इसे चेक करके भी दिखा देता हूँ कि हमने जो चेक किया है, यानी कि पहले नहीं जल रहा था ना, लेकिन यहाँ पर हमारा ये जो है अब जलने वाला है। और आप देखिए ध्यान रखिए कि हमारी अगर बैटरी फट चुकी है तो वो बैटरी कभी भी रिपेयर नहीं हो सकती। उसमें टेप लगा कर उसे दोबारा रिपेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा, या फिर ग्लू फ्लू लगा करके, तो वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे जो पेच हैं हम उन्हें भी यहाँ पर कस देते हैं, जैसे हमने पहले शुरुआत में खोल लेते वैसे हम इसे एंड में इसे कस देते हैं, क्योंकि ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये नहीं करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ इस चीज़ को, और उसके बाद हमारी जो बैटरी उसकी जो लाइटिंग है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने इसे चालू कर लिया, काफ़ी अच्छे लाइट हमें मिलने वाली, यानी कि आप समझ चुके हैं, देख रहे हैं। अब हम इसके बाद आपको चार्जर यानी कि जो है सोलर प्लेट चेक करा देते हैं कि हमारी जो सोलर प्लेट है वो चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, और उसके बाद आपको दिखा देते हैं कि हमारा जो है फ़ोन से फ़ोन को ये चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि इस बैटरी ये बैटरी जो है हमारी इमरजेंसी लाइट तीन काम करती है एक बार में, बहुत सारे काम कर सकती है बट यहाँ पर तीन काम कर रही है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों हम यहाँ पर इसे अपनी जो लाइट है उसे धूप में भी ले आए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरी तरीके से काम कर रहा है, और आपको जो भी कन्फ्यूजन है उसको भी दूर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम हाथ लगाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको पता पड़ पा रहा है कि हमारी जो इमरजेंसी लाइट है वो पूरी तरीके से वर्क कर रही है, यानी कि वो चार्ज हो रही है। अब यहाँ पर हम आपको इसे चार्ज तो हो गया, ये भी काम हो गया ख़त्म, अब हम आपको यहाँ पर फ़ोन चेक करके दिखा देते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद आपको जो भी कोई भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमने फोन अपना लगाया, हम लगा रहे हैं यहाँ पर, और जैसे ही हमने चार्जिंग पर इसे लगा देते हैं और उसके बाद ये जो है हमारा जो है काम करने लग जाता है, यानी कि देखिए एक सेकंड, और ये देखिए ये हमारी लाइट इसमें आ गई। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप अपना हमारा जो फ़ोन है उसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा देते हैं, और उसके साथ आपको ज़्यादा दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। 68% इसमें दिखा रहा है बैटरी को अभी इस टाइम, और अब से इसे चार्ज करेंगे तो ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, और इसमें हमारी कोई बैटरी पर ज़्यादा वो नहीं पड़ने वाला है। आप यहाँ पर तीन बैटरी की जगह पर चार बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियोज़ के साथ। हैव नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।